नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलकर चांद की सतह पर घूम रहा है। करीब 14 घंटे बाद गुरुवार सुबह इसकी पुष्टि भारतीय अंतरिक्ष संस्थान केंद्र यानी इसरो ने की। हालांकि इन स्पेस चेयरमैन पवन के गोयनका ने देर रात ही प्रज्ञान रोवर की रैंप से बाहर निकलते हुए तस्वीर शेयर की थी। चंद्रयान 3 के लैंडर ने बुधवार शाम 6:04 पर चांद पर पहला कदम रखा था। प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए हैं और उसका वजन 26 किलो है। चांद की सतह पर यह अपने सोलर पैनल खोलकर चल रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप भी छोड़ेगा। हालांकि इससे लेकर अभी इसरो का कोई बयान नहीं आया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद ब्रिक्स में डिनर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने वाले नेताओं का ताता लग गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मोदी को बधाई दी। ब्रिक्स का नया सदस्य बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे सऊदी के विदेश मंत्री फैजल बिन फरहान अल साउद ने भी पीएम मोदी से मिलकर खुशी जाहिर की। वहीं ब्रिक्स के मेंबर देश इस संगठन के विस्तार के लिए तैयार हो गए हैं। साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री नालेदी पंडोर ने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा, ब्राजील, चीन, भारत और रूस समेत हम सब संगठन में दूसरे देशों के शामिल होने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। इसके बाद गुरुवार को नए मेंबर्स के नाम पर फाइनल डिस्कशन होगा। राजस्थान में सत्ता में रहने के बाद अगले चुनाव में SC/ST रिजर्व सीट हाथ से निकल जाने के कारण कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है। 2013 के चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार का बड़ा कारण SC/ST सीटों पर करारी शिकस्त भी रहा था। इस बार सत्ताधारी कांग्रेस पिछले ट्रेंड को तोड़ने और अपने परंपरागत वोट बैंक को बचाए रखने के लिए पहले ही सतर्क हो गई है। यही कारण है कि प्रदेश की 59 रिजर्व सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस ने अलग से मास्टर प्लान बनाया है। SC/ST वर्ग पर पकड़ मजबूत करने के लिए सभी रिजर्व सीटों पर पहली बार बूथ से लेकर ब्लॉक और असेंबली लेवल पर 3-3 टीमें चुनाव मैनेजमेंट का काम करेगी। इसकी सीधी मॉनिटरिंग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से होगी। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की 212 रिजर्व सीटों को साधने के लिए भी इसी रणनीति पर काम होगा। चुनावी रणनीति के तहत कांग्रेस ने आरक्षित 59 सीटों पर प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए असेंबली कोऑर्डिनेटर तैनात किए हैं। साथ ही 5 मार्च सीटों पर क्लस्टर बनाकर इन पर भी सीनियर नेताओं को कोऑर्डिनेटर लगाया है। राजस्थान हाईकोर्ट से हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनेश गुजर को बड़ी राहत मिली है। इसके बाद पिछले 18 दिनों से खाली चल रहे मेयर के पद को मुनेश फिर संभालेंगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, इस वजह से मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी, लेकिन ये जरूर कहना चाहती हूँ कि सुदर्शन चक्र वाले का मुझ पर आशीर्वाद है, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। उन्होंने कहा कि जयपुर ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इसलिए अब उस प्यार के कर्ज को मैं जनता की सेवा कर उतारना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, मेरे परिवार के इस बुरे वक्त में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और पार्षद हमारे साथ खड़े थे, इससे मुझे बहुत हिम्मत और ताकत मिली है। मुनेश गुजर के ससुर कैप्टन राम प्रसाद गुजर ने कहा कि ऊपर वाला हमेशा सही फैसला करता है। मुनेश को राहत मिलने के बाद अब तो पहले से भी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि अगर कोई इंसान समुद्र में डूब रहा होता है और वो बच जाता है तो उसे पहले से भी ज़्यादा खुशी महसूस होती है, क्योंकि उसे नया जीवन मिला होता है। राम प्रसाद गुजर ने मुनेश के निलंबन पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आज षड्यंत्र करने वालों को जवाब मिल गया है, जो भविष्य में और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सिर्फ इतने से जवाब से उनका काम नहीं चलेगा। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद गिरता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में गुरुवार सुबह 30 सेकंड के अंदर 7 इमारतें गिर गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रशासन ने इन इमारतों को 3 दिन पहले ही खाली करवा लिया था। आसपास की 2-3 इमारतों पर अभी भी खतरा बना हुआ है। यहाँ के लोगों पर आने जाने की रोक लगा दी गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे से बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 7 मौतें मंडी और शिमला में लैंडस्लाइड की वजह से हुई। इसके अलावा कई घर टूट गए और 400 सड़कें ब्लॉक हो गई है। भारी बारिश के चलते कुल्लू मनाली हाईवे भी बंद कर दिया गया। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में अगले 2 दिन
भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के 3 जिलों शिमला, मंडी और सोलन में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।